प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में अपने वजूद को तलाशती आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में अपने दम पर कुछ कर गुजरने की आस में इस चुनावी महासमर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। आज आम आदमी पार्टी से पूर्व में शिलाई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे नाथूराम चौहान ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में बताया कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा केवल जनता को गुमराह कर खो खो खेलने का प्रयास कर रही है, जिसे प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वहीं केंद्र में इंडिया गठबंधन के साथ पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के साथ ही प्रदेश में चुनावों में उतरा जाएगा। हाल ही में सार्वजनिक हुए बॉन्ड्स पर उन्होंने कहा कि यह सदी का महाघोटाला है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। एक कहावत हम बचपन से सुनते आए थे कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, और ये जो कहावत है हमें लगता था कि क्यों बोलते होंगे, समझ नहीं आ रही थी, पर आज लग रहा है कि वास्तव में उन्होंने ये बात क्यों कही थी। भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका काम केवल सुबह उठ के शाम तक राम नाम जपना और पराया माल अपने वाली कहावत। अभी आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, 235 करोड़ रुपए बीफ व्यापारियों से लिए गए, मंदिर भगवान राम जी का बनाना है और वहां बीफ व्यापारी से आप पैसे ले रहे हो। कोई नियम होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई बॉन्ड आपने ठीक आपने कहा कि हम बॉन्ड से खरीदेंगे, लोग बॉन्ड खरीदेंगे उससे पार्टी को पैसा आएगा, पर जो घूंघट करने वाली जो बात थी वो क्यों? सबको पता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पैसा देती है, पैसा लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी मंशा कुछ और रही होगी इसके पीछे। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, और आजादी के 75 साल बाद सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो ये बॉन्ड। पर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के गले से ये बात हजम नहीं, नीचे नहीं उतर रही थी, हजम नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। इतनी कौन सी आग लग रही है इलेक्शन कमीशन को? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता तो चुनाव जून महीने 1 जून को शादी माचरण चुनाव होने, उससे फैसले उससे पहले भी एक दोबारा पीएससी कर लेते, वो तो सरकारी पीएससी होनी है, चुनाव का खर्चा उसमें थोड़ी नहीं होना था कि भाई हिमाचल में इस तरह की गतिविधि हुई, हिमाचल में ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इसलिए हिमाचल में 6 विधायकों के लिए अलग से चुनाव करवाए जाए। इससे सीधी सीधी उंगली उठती चुनाव आयोग के ऊपर, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हमारा जो गठबंधन होता है तो लोकसभा लेवल पर गठबंधन है, और विधानसभा में हम अलग अलग लड़ते हैं, पहली बार अलग अलग लड़े और आगे भी अलग अलग लड़ेंगे। लोकसभा के लिए हमारा हो सकता है कि हाईकमान अगर कहता है कि गठबंधन लड़ना है तो वहाँ पर हो सकता है, पर विधानसभा में हम अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि हमने 3 राज्यों में जहाँ चुनाव वहाँ पर भी विधानसभा में अलग अलग लड़े थे, लोकसभा में उनके साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं। गठबंधन सेंटर के लिए है, तानाशाह को हटाने के लिए गठबंधन है, जो भी हमने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब है, नहीं तो यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति अभी क्या है। गठबंधन सेंटर की मोदी सरकार को तानाशाह सरकार को हटाने के लिए, स्टेट के लिए गठबंधन नहीं है, स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं।